हेलो स्टूडेंट्स फिर से आप सबका स्वागत है आज मैं आप लोगों को क्लास टेन के सेकेंड पॉइंट फायर एंड आइस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं सभी को बताने जा रहा हूं यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हाउ वुड द वर्ल्ड इंड लेखक के अनुसार या पृथ्वी किस प्रकार नष्ट हो जाएगी समाप्त हो जाएगी इसका राइट आंसर होगा आइदर वाइज फायर एंड आइस राइट right आंसर क्या होगा आइदर बाय फायर और आइस या तो बर्फ से या फिर आग से नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज कंपेयर्ड आइस लेखक ने आइस को किसके साथ कंपेयर किया है वाट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय द अर्थ इसमें अर्थ को पृथ्वी को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा तो राइट right आंसर होगा इसका बोथ फायर एंड आइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हाउ कैन आइस डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड लोगों की अवधारणा के अनुसार यह पृथ्वी किस प्रकार आइस से डिस्ट्रॉय होगी तो इसका राइट आंसर होगा ड्यू टू लो टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द the इन द the हाफ ऑफ द end इफ would इज टू competent in वुड बी इक्वली लेखक इन अनुसार सेकेंड स्टैंड बताया गया है कि अगर पृथ्वी को दो बार नष्ट होना पड़े तो इसके लिए पर्याप्त क्या है तो इसका राइट आंसर होगा आइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पॉइम फायर हैज बीन यूज एज डैश इस पॉइम में फायर का इस्तेमाल किसके साथ किया गया है फायर को जो यूज किया गया है फायर वर्ड को जो यूज किया गया है वो किस चीज़ को दर्शाने के लिए किया गया है राइट आंसर होगा डिजायर इच्छा को दर्शाने के लिए किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पॉइम आइस हैज बीन यूज एज इस पॉइम में आइस को वर्णन किया गया आइस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है किस लिए इसका राइट आंसर होगा हेटरेट नफरत के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू सम पीपल वाई डू सम बिलीव द वर्ल्ड विल इन इन आइस ऐसा क्यों लगता है कुछ लोगों को कि ये दुनिया जो है आइस से ही क्या हो जाएगी नष्ट हो जाएगी इसका राइट आंसर होगा बिकॉज हैट्रेड एवंग पीपल इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट क्योंकि लोगों के बीच नफरत बहुत तेजी से फैल रही है इसलिए नफरत के कारण ही यह दुनिया एक दिन क्या होगी नष्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइट हेज कंपेयर डैश विथ डैश यहां पर पॉइट किस चीज को कंपेयर करते हैं नेक्स्ट इसमें राइट आंसर होगा कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट एंड ह्यूमन इमोशन यहां पर लोगों की भावनाओं को वर्णन किया गया है और लोगों के बीच जो नफरत फैल रही है उसको वर्णित किया गया है इस पॉइंट में नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एंड आइस हैज हैड विथ फायर एंड आइस को किसके साथ तुलना किया गया है इसका राइट आंसर होगा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन लोगों के इमोशन के साथ जो जुड़ा होता है खेला जाता है उसको जो बर्बाद किया जा रहा है नष्ट किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सेल्फ डिस्ट्रेक्शन ह्यूमन इमोशन मतलब लोगों की भावनाओं को आहत की जाती है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब इसका राइट right आंसर हो जाएगा डी फायर एंड आइस हैव बीन कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्शन ह्यूमन इमोशन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम फायर एंड आइस फायर एंड आइस में किस प्रकार के रैम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है जो पोएट पौय, जो पोयम लिखने में कौन से रैम स्कीम का इस्तेमाल किया गया इसका राइट आंसर होगा ए बी ए ए बी सी बी सी बी नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिजायर इन द कंटेक्सट ऑफ द पॉइम इस पॉइम में डिजायर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब क्या होता है इसका राइट right आंसर होगा ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन किसी चीज को तीव्र इच्छा से चाहना और उसको पाने की लालसा रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन वाट बेसिस हैज द पॉइट रिटर्न दिस पॉइम इस पॉइम को लिखने के जो ये पॉइम जो लिखा गया किस आधार पर लिखा गया इस पॉइम को लिखने का आधार क्या right answer है इसका राइट आंसर होगा फिलोसफिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पॉइट ऑफ द पॉइम फायर एंड आइस फायर और आइस के लेखक कौन है इस पॉइम के पॉइट कौन है इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट फॉर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉइंट यहां पे फेवर वर्ड का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सपोर्ट और अप्रूवल भी होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है

उन लोगों के साथ पॉइंट क्या कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये जो पृथ्वी है एक दिन फायर से नष्ट हो जाएगी तो इसका राइट आंसर क्या होगा आखिरकार वो क्यों इस तरह बोल रहे हैं द पॉइंट वुड रेदर वांट द वर्ल्ड टू एंड बाय फायर देन बाय बाईस क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके अनुसार ये ये बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी जो है ये आइस की तुलना में जल्दी फायर से क्या हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सम से वर्ल्ड विल इन इन कुछ लोग क्या कहते हैं कि यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी किससे नष्ट हो जाएगी इसका राइट आंसर होगा फायर एंड आइस नफरत से और इच्छा से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिस इन द कंटेक्ट ऑफ द पोए इस प्लम में पेरिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है डाय मृत्यु वेयर हैज द पॉइट यूज पर्सनोफिकेशन इन द पॉइम इस प्वाइम में कौन से पर्सनोफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है और किस वर्ड पे किया गया इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द मॉरल ऑफ दिस लेसन इस लेसन का क्या मॉरल है क्या थीम है ये क्या बतलाना चाह रहा है इस पॉइंट के अनुसार इसका राइट आंसर होगा दैट लेट आवर इमोशन रूल अस बट इफ वी डोंट कंट्रोल देम दे कैन हार्म अगर हम अपने भावना पे अपना कंट्रोल ना रखें नियंत्रण ना रखे तो एक दिन वो क्या हो गए हमारे ही हानि के लिए कारक बन जाएगी इसीलिए हमें क्या करना अपने भावना पे नियंत्रण रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पॉइट से डैट ऑन डे द वर्ल्ड वुड इन बिकॉज ऑफ फायर प्वाइट क्यों कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी एक दिन फायर से नष्ट हो जाएगी इसका राइट right आंसर होगा सम बडी द अर्थ स्कोर विल गेट सो हेटेड ऑफ डैट इट वुड लीड ए फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस क्योंकि इस पृथ्वी में क्या है नफरत बहुत ज्यादा हो गई है मतलब यह पृथ्वी जो नष्ट होगा तो इसका कारण क्या होगा नफरत ही होगा जो लोगों में जो नफरत फैल रही है इस पृथ्वी को नष्ट करने का कारण नफरत ही होगा क्वेश्चन है इन द सेकेंड पार्ट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट इज ऑल्सो सफिसियंट टू द वर्ल्ड सेकेंड स्टेंजा में पॉइंट के अनुसार क्या काफी है इनफ है कौन सी ऐसी चीज है जो कि काफी है इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए इसका राइट right आंसर हो जाएगा आइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आई होल्ड विद दो आइज वाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस पॉयम एक जो लाइन लिखा गया है इस पॉइम में आई होल्ड विद दो फेवर आइज मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये मानते हैं कि ये दुनिया जो नष्ट हो जाएगी आइस के कारण तो इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया इसका राइट आंसर होगा एसोनेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेज सम इज यूज इन बोथ ऑफ द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द पोए दिस इज द इंडिकेशन ऑफ विच पोइटिक डिवाइस इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है समसे, इसमें कौन से पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है इसका राइट आंसर होगा एनोफोरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन्स फ्रॉम द पॉएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एलिट्रेशन पॉइम में कौन से लाइन से एलिट्रेशन एलिट्रेशन जो पॉइटिक डिवाइस है उसका पता चलता है तो विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन फ्रॉम द पॉइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एलिट्रेशन इसमें से कौन से लाइन में एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है एलिट्रेशन के रूप में बतलाया गया है तो इसका राइट right आंसर होगा ए आई हॉल विद दो फायर इसमें भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है सम से द वर्ल्ड विल इन इन ए फायर इसमें भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है एंड सम से इन आइस इसमें भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है मतलब इसका राइट आंसर ए बी सी इसका मतलब क्या होगा ऑल ऑफ दोज इसमें से राइट right आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज सभी है ए बी सी सभी में क्या हो गया एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है जो पॉइटिक डिवाइस होता है इलिट्रेशन उसका इस्तेमाल किया होगा तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है सम से दर्ल्ड विल इन इन फायर व पोइटिक डिवाइस इन दिसन कुछ लोग कहते हैं या पृथ्वी फायर से नष्ट हो जाएगी इसमें कौन से पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है इसका राइट right आंसर होगा एलिटरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विट्रेट डिवाइस इज यूज मेनली इन द इंटायर पॉइंट इस पॉइम में सबसे ज्यादा सबसे मुख्यतः मुख्य रूप से कौन से लिटरे डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है तो पर्सोनिफिकेशन इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी परसोनिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इफ इट हैड टू पेर डैश आई थिंक आई नो इन ऑफ डैश फिल इन द ब्लैंक्स इसका राइट आंसर होगा ट्वाइस और हेड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट इसमें जो पॉइटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है ये है इमेजरी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दो फेवर आइस विच पॉइटिक डिवाइस हैज बिन यूज इन दिस लाइन इसमें कौन से पॉइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है जिसमें ये लाइन बताया गया है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार कौन फेवर कर रहे हैं कि ये पृथ्वी जो नष्ट हो जाएगी वो से तो इसका राइट आंसर होगा इनजैमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ सफीस इन द कंटेक्सट ऑफ द प्वाइम इस प्लम में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया सफीस इसका मीनिंग क्या होता मतलब क्या है मतलब है बी सफिसियंट पर्याप्त होना नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड आखिरकार कभी क्यों नहीं चाहता है कि यह पृथ्वी जो है वो आइस से नष्ट हो इसका राइट आंसर होगा टू द पॉइंट आइस मीन्स डिजायर एंड एक्सपीरियंस विद द डिजायर क्योंकि यहाँ पे जो आइस का तुलना किया गया वो किससे क्या गया है डिजायर से क्या गया है और यहां पे डिजायर के प्रति लेखक के पास कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये पृथ्वी क्या हो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको चैप्टर वाइज टर्म वाइज वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल के प्ले पर जाकर सभी वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं थैंक यू